गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग नंबर प्लैंक्स हैव बीन मिक्स्ड अप। यहाँ पर कुछ नंबर मिक्स किए गए हैं। मैच द नंबर टू इट्स नंबर नेम। यहाँ पे नंबर्स को उसके नंबर नेम के साथ मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट इज 354। अब देखिए 354 इसमें कहाँ है, ये है, तो आप इसे इस तरह से मैच कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट 602, ये फर्स्ट वाला, तो इसे फर्स्ट के साथ मैच कर दीजिए। 990, ये क्वेश्चन फिफ्थ पे है। नाउ 869, ये रहा थर्ड वाला। नाउ लास्ट वन इज 401, सो 401 हमने मैच कर दिया इसे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप काउंट इन टेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर। यहाँ पे स्किप काउंटिंग, जो काउंटिंग है उससे स्किप कर करके लिखना है, लेकिन कितना यहाँ पे टेंस का डिफरेंट होना चाहिए। ओके, जैसे फर्स्ट यहाँ 345 दिया है, तो इसमें 10 का डिफरेंट, दैट मीन्स 10 बढ़ा के लिखेंगे, तो 345 में हमने 10 को प्लस किया तो कितना आंसर आ गया, 355। फिर इसमें 10 को प्लस कर देना है, तो 55 में 10 प्लस कर दिए तो 365, फिर 10 प्लस किए तो 375। ओके, तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट वाला भी करना है। यहाँ देखिए 408 में हमने 10 प्लस किया तो ये 418, फिर इसमें 10 प्लस करना है तो 418 से 428, फिर 10 प्लस कर दिए तो 438। आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 408 है, इसमें आपको 10 प्लस कर देना है, तो ये 8, 1 प्लस 0 1 और ये 4, ठीक है, तो यहाँ लिखना, फिर इसमें 10 प्लस करके फिर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप काउंट इन हंड्रेड्स। अभी जैसे हमने यहाँ टेंस का किया, उसी तरह से यहाँ कितना करना है, 100, हमें इसमें 100 प्लस करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप चाहे तो इसमें 100 इस तरह से प्लस करके आंसर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ जो नंबर दिया इसमें 100 प्लस कर दीजिए, मतलब वंस टेंस 100, यहाँ 100 की प्लेस है, तो हम देखिए 100 की प्लेस पे प्लस करेंगे, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ रहेंगे, जो 100 की प्लेस है उसमें सिर्फ 1 प्लस करते जाएंगे। जैसे 645, इसमें 100 प्लस किए तो 745 हो गया। देखिए 6 में प्लस 1 किए 7 हो गया, इसी तरह से हम 7 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, 8, और ये 45 एज इट इज़, फिर 8 में 1 प्लस कर दिए तो 945। ओके, सी नेक्स्ट एक और देखते हैं। इसमें भी देखिए 397, इसमें हमने 100 प्लस किया, मतलब 3 में 1 प्लस कर दिए तो 497, 4 में 1 प्लस किए तो 597, 5 में 1 प्लस करने पर 697। ओके, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट इज 10 मोर एंड 10 लेस। इसमें से अब हमें 10 बढ़ा के लिखना है और 10 कम करके लिखना है। तो देखिए जैसे हम आफ्टर और बिफोर लिखते थे ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सेम उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें आफ्टर मतलब बाद में लिखने के लिए हमें 10 प्लस करके लिखना है, और बिफोर मतलब 10 माइनस करके लिखना है। ओके, वरना आफ्टर और बिफोर में हम 1-1 प्लस और माइनस करते थे, इसमें कितना हमें कहा गया है, 10। सो नंबर हमें दिया गया है 555, इसमें हम 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 10 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 545। ओके, और अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो 565। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सिर्फ फ़र्क ये है इसमें 20 प्लस करके प्लस और माइनस करना है, जैसे हम इसमें 10 करते थे इसमें 20 करना है। तो देखिए हमें बिफोर लिखने के लिए 20 माइनस करना होगा और आफ्टर लिखने के लिए 20 प्लस करना होगा। सो 220 में से 20 माइनस कर दिए तो क्या बच्चा, सिर्फ 200, और 220 में 20 प्लस कर दिए तो हो गया 240। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।